संजय दत्त को नहीं मिलेगी माफी। संजय दत्त की पार्डन प्ली हुई रिजेक्ट। महाराष्ट्र के गवर्नर चेन्नम्मा नेनी विद्यासागर राव ने की पार्डन प्ली रिजेक्ट। संजय दत्त को अब पूरी सजा बितानी पड़ेगी जेल में। फरवरी 2016 से पहले रिहा नहीं हो पाएंगे संजय दत्त। दरअसल 1993 ब्लास्ट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में संजय दत्त को सुनाई थी 5 साल की सजा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ही फॉर्मर जज मार्कंडेय काटजू ने प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर को संजय दत्त की माफी के लिए लिखा था एक लेटर। बाद में होम डिपार्टमेंट ने काटजू की ये प्ली महाराष्ट्र के गवर्नर को भेज दी थी और होम डिपार्टमेंट की एडवाइस पर ही महाराष्ट्र के गवर्नर मिस्टर विद्यासागर राव ने संजय दत्त के लिए आई ये पार्डन प्ली अब कर दी है रिजेक्ट। इस रिजेक्शन का मतलब है कि संजय दत्त को अब पूरी 5 साल की सजा जेल में ही काटनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि संजय दत्त ऑलरेडी करीब 4.5 साल की सजा काट चुके हैं, यानी करीब 5 महीने की और उनकी सजा बाकी है। पार्डन प्ली के रिजेक्ट होने से ये बात तो साफ हो गई है कि अब फरवरी 2016 से पहले संजू बाबा नहीं हो पाएंगे जेल से रिहा। वैसे फिलहाल संजय दत्त पार्लो पर करीब 1 महीने के लिए जेल से बाहर आए हुए हैं।